जिनिया 30 रुपीज, रोज 50 रुपीज, डेलिया 60 रुपीज, डबल डिलाइट रोज, सकुलेंट 50 रुपीज, स्नैपड्रैगन 30 रुपीज, पिटूनिया 30 रुपीज, कैलेंडुला 30 रुपीज, कलन टू प्लांट्स इन डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हियर। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार मैं आपको नर्सरी विजिट करवाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट्स का कलेक्शन देखने को मिलने वाला है। इस नर्सरी का नाम है गजानन वाटिका नर्सरी, जहाँ से आप प्लांट्स बाय कर सकते हो होलसेल एंड रिटेल में। फ्लावरिंग प्लांट की तो इनके पास में ऑलमोस्ट ऑल द वेराइटीज है, जो भी आपको पसंद आता है आप वो बाय कर सकते हो। फ्लावरिंग प्लांट लवर्स के लिए तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही प्यारा होने वाला है, क्योंकि ईच एंड एवरी फ्लावर मैं डिटेल में शो करने वाला हूँ और उनके प्राइजेस भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इनके पास में आपको फ्लावरिंग प्लांट के साथ साथ और भी प्लांट्स की डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में इनके पास में प्लांट्स के अलावा फर्टिलाइजर भी मिल जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो प्लांट्स को। यह है विकास पटेल, जो कि गजानन वाटिका नर्सरी को संभालते हैं। अगर इनके यहाँ के प्लांट्स आपको पसंद है और आपको बाय करना है, तो दिए गए मोबाइल नंबर पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज एड्रेस रिलेटेड कुछ भी इशू है, उसके लिए भी आप सेम नंबर पे कांटेक्ट उनसे कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रोज़ प्लांट से। रोज़ के प्लांट्स की तो बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ है इनके पास में, जो भी आपको पसंद आती है आप वो बाय कर सकते हो। रोज़ के प्लांट्स अगर आप बाय करना चाहोगे तो आपको मिल जाते हैं 50 रुपीज़ में। अगर बड़े वाले प्लांट्स बाय करोगे तो आपको मिल जाते हैं 80 रुपीज़ में। रोज के प्लांट्स अगर आप बाय करते हो तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इसको ब्राइट लाइट और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपको ये अच्छे से फ्लावरिंग देगा। अगर आपको इसमें से मैक्सिमम फ्लावरिंग लेना है तो आपको इसको फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर में आपको जैसे कि पता होगा कि ऑर्गेनिक और केमिकल दो टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर माना जाता है, और केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं इंस्टेंट बूस्टिंग के लिए फ्लावर्स के यूज़ किया जाता है। जो बिगनर्स है, जो नए लोग हैं, उनको मेरा सजेशन है कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ कीजिए। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर थोड़ा ज़्यादा भी आप फीड कर देते हो प्लांट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर केमिकल फर्टिलाइजर थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो वो जो प्लांट के रूट्स होते हैं उनको बर्न कर देता है और आपका जो प्लांट है वो डैमेज हो जाता है। तो उसके बाद में उसको सर्वाइव करवाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उसके रूट पे अटैक करता है। ये जो प्लांट है ये डहलिया का प्लांट है, जो कि एक प्लांट आप बाय कर सकते हो 60 रुपीज़ में। ये एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है, विंटर और समर इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होता है, और इसके फ्लावर्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। जिन लोगों को भी बड़े फ्लावर्स पसंद है वो ये प्लांट को बाय कर सकते हैं। डहलिया प्लांट की भी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है इनके पास में। जो भी आपको पसंद आता है आप वो बाय कर सकते हो, लेकिन बाय करने के बाद में आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इसको ब्राइट लाइट और सनलाइट वाले एरिया में ही रखना है, तभी आपको अच्छे से फ्लावरिंग मिलेगा। ये वाला जो प्लांट है गजनिया का प्लांट है, ये भी एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है। इसके बारे में एक बात आपको बता दूं मैं कि इसको सनलाइट की ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो इसको फ्लावरिंग बहुत ही कम होता है, और जो फ्लावर्स है वो हेल्दी भी नहीं होते हैं। और अगर सनलाइट मिलता है तो इसको में बहुत ही बढ़िया सा फ्लावरिंग होता है, और फ्लावर्स भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं। गजनिया प्लांट के भी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ है इनके पास में, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है। जो भी आपको पसंद आते हैं आप वो बाय कर सकते हो। गजनिया प्लांट से आपको मैक्सिमम फ्लावरिंग लेना है तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करना होगा, और इसको सनलाइट में रख दीजिए तो आपको इसमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स मिलेंगे। सनलाइट इज मस्ट फॉर दिस प्लांट। ये वाला जो प्लांट है डायंथस के प्लांट है, जो कि आप बाय कर सकते हो जस्ट इन 30 रुपीज। ये एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है, समर विंटर दोनों सीजन में आपको अच्छे से फ्लावर्स देगा, लेकिन जैसे रेनी सीजन आ जाता है, जैसे एयर में मॉइस्चर आ जाता है, तो ये जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इस प्लांट को आपको विंटर में मैक्सिमम सनलाइट वाले एरिया में रखना है, और मैक्सिमम सनलाइट मिलना चाहिए इसको अच्छे से फ्लावरिंग करने के लिए। लेकिन जैसे ही समर आ जाता है सिर्फ 2 घंटे का इसको सनलाइट शो कीजिए, बाकी ब्राइट लाइट वाले एरिया में रख दीजिए। अदरवाइज आपका जो प्लांट है वो ड्राई हो सकता है, उसके जो लीफ है वो बर्न हो सकते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम जनरली होता है। ये वाला जो प्लांट है बिगोनिया का प्लांट है, जो कि आप बाय कर सकते हो जस्ट इन 40 रुपीज़। यह ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो कि आपको कम लाइट वाले एरिया में भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग देगा। इसको सनलाइट की या ब्राइट लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको अगर अच्छा खासा लाइट मिल जाएगा तो भी आपको ये फ्लावर्स देते रहेगा। तो जिनके घर पे भी अच्छा खासा लाइट नहीं आता है तो ये वाले प्लांट को आप आपके लिस्ट में ऐड कर सकते हो।
और ये वाला जो प्लांट है ये अस्टर के प्लांट है, ये एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है, ये आपको फ्लावर्स देगा समर और विंटर में, लेकिन रेनी सीजन में ये जनरली सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये आप बाय कर सकते हो जस्ट इन 30 रुपीज फ्रॉम हियर। अस्टर के प्लांट की खासियत यही होती है कि ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आपको देखने को मिल जाता है, जो भी कलर आपको पसंद आता है आप वो बाय कर सकते हो। इसमें भी आपको पिंक, वॉयलेट, ये जो कलर्स है वो बहुत ही दिखने में प्यारे दिखते हैं। ये वाला जो प्लांट है हिबिस्कस के प्लांट से, ये वन ऑफ द बेस्ट परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और आपको मिल जाता है जस्ट इन 60 रुपीज। इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स इनके पास में अवेलेबल है। ये वाला जो प्लांट है इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लावर प्लांट, जो कि आपको मिल जाता है जस्ट इन 30 रुपीज। ये भी एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है, समर विंटर में आपको इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लावरिंग मिलेगा। इस प्लांट की ये खासियत है कि इसको बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होता है, इसके पत्ते भी ग्रीन वाले नहीं दिखते, आपको कलर वाले फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखते रहते हैं। तो जिन किसी को भी ऐसे प्लांट पसंद है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होता हो प्लांट को, तो ये वाला जो प्लांट है आपके लिए बेस्ट है। जब भी इस प्लांट को आप ग्रो करना चाहो तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, इसकी रूट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और फैलते हैं ज़मीन में, उसके वजह से इसका जो सॉइल का क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होता है। करके इसको बड़े गमले में लगाइए तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये वाले जो प्लांट्स है ये जीनिया के प्लांट्स है, जो कि एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है, आपको समर विंटर में फ्लावर देगा, रेनी सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि हवा में जो मॉइस्चर होता है, एयर में जो मॉइस्चर होता है वो इसके जो रूट्स है उसको डैमेज करके इस ये जो प्लांट है वो डेड हो जाता है। जीनिया प्लांट के तो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है इनके पास में, जो भी आपको पसंद आता है आप वो बाय कर सकते हो। जीनिया के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स है विंटर के लिए, क्योंकि दिखने में बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारे और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं। छोटे से छोटे पॉट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हो और आप किसी को ये गिफ्ट भी दे सकते हो। और ये वाला जो प्लांट है ये सदाफुली के प्लांट है, इसको पेरीविंकल भी कहते हैं, जो कि एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, आपको मिल जाता है जस्ट इन 30 रुपीज। इसमें भी आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जितना ज़्यादा सनलाइट मिलेगा उतना ही ज़्यादा इसको फ्लावरिंग होगा। सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट्स सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोस। ये मारीगोल्ड का प्लांट है, इसे झेंडू भी कहते हैं, ये भी एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है, समर विंटर में बहुत ही अच्छा सा फ्लावरिंग होता है इसे। और ये वाला एक प्लांट आपको मिल जाता है 50 रुपीज में, क्योंकि ये बड़े साइज के फ्लावर्स है उसकी वजह से 50 रुपीज में मिल रहे हैं। और ये वाला जो प्लांट है ये भी झेंडू के ही प्लांट्स है लेकिन छोटे फ्लावर्स है, उसके वजह से आपको मिल जाते हैं 30 रुपीज़ में। झेंडू के प्लांट्स को भी ब्राइट लाइट की और प्रॉपर वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी इसको अच्छे से फ्लावरिंग होता है। ये वाले जो प्लांट्स है पिटूनिया के प्लांट है, ये वन ऑफ द बेस्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि आपको मिल जाता है जस्ट इन 30 रुपीज़। इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ आती है और हैंगिंग बास्केट में ग्रो करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। और ये वाला जो प्लांट है इम्पेशियंट का प्लांट है, जो कि आपको मिल जाता है 100 रुपीज़ में, बड़े पॉट में करके आपको मिल रहा है 100 रुपीज़ में, अगर छोटे पॉट में होता है तो आपको मिल जाता है 40 रुपीज़ में। इसमें भी आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद आते हैं आप वो बाय कर सकते हो। इसके जो फ्लावर्स है दिखने में बहुत ही प्यारे दिखते हैं, इस प्लांट को भी हैंगिंग में आप ग्रो कर सकते हो। ये भी एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे कि विंटर और समर में इसको अच्छे से फ्लावरिंग होता है, अगर रेनी सीजन में ये सर्वाइव कर लिया तो नेक्स्ट विंटर और समर में भी ये आपको फ्लावर्स देगा। ये वाला जो प्लांट है ये कैलेंडुला का प्लांट है, जो कि एक प्लांट आपको मिल जाता है 30 रुपीज़ में। ये भी एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें आपको कलर ऑप्शंस नहीं मिलते, सिर्फ आपको येलो कलर ही देखने को मिलेगा इसमें। ये वाला जो प्लांट है ये कलंचू के प्लांट है, जो कि एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, आपको मिल जाता है जस्ट इन 150 रुपीज़, वो भी पॉट के साथ। इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट कलर ऑप्शंस इनके पास में अवेलेबल है, जो भी आपको पसंद आता है वो बाय कर सकते हो। कलंचू के प्लांट्स कम लाइट वाले एरिया में भी बहुत ही अच्छा सा फ्लावरिंग करते हैं, उसके वजह से अगर आपके घर में सनलाइट वगैरह नहीं आता है, आपके गैलरी में सनलाइट वगैरह नहीं आता है, तो वो एरिया में आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हो और आपको ये सालों साल फ्लावर्स देते रहेगा। इस प्लांट का सबसे कॉमन रीजन होता है डेड होने का, वो है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग करने की वजह से इसके जो रूट्स है वो डैमेज हो जाते हैं और ये प्लांट जो है वो डेड होना चालू हो जाता है। जब भी आप इसको वाटरिंग करेंगे तो इंश्योर कीजिए कि इसके जो ऊपर की सॉइल है वो हल्की सी ड्राई हो चुकी हो, तभी आप इसको वाटरिंग करें तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से चलेगा। ये वाला जो प्लांट है वर्बेना के प्लांट्स है, जो कि आप बाय कर सकते हो जस्ट इन 30 रुपीज़। वर्बेना में भी डिफरेंट वेराइटीज़ होती है, एक सीजनल होती है और एक परमानेंट होती है, ये वाली हम जो देख रहे हैं वो सीजनल है।
इसमें भी आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद आते हैं आप वो बाय कर सकते हो। ये सीजनल है, उसके वजह से आपको सिर्फ विंटर और समर में आपको ये फ्लावरिंग देगा। ये वाला जो प्लांट है पॉन्सोटिया का, आपको मिल जाता है जस्ट इन 50 रुपीज। और ये वाला जो प्लांट है, ये सकुलेंट प्लांट की वैरायटी, आपको मिल जाता है 40 रुपीज में। और ये अनदर प्लांट जो कि आपको मिल जाता है 40 रुपीज में। और ये जो प्लांट है एग्लोनिमा प्लांट की वैरायटी है, इंडोर प्लांट, आपको मिल जाएगा 150 रुपीज में। और ये हैंगिंग प्लांट है, आपको मिल जाएगा 40 रुपीज में। और ये वाला जो प्लांट है, ये पोलका डॉट का प्लांट है, आपको मिल जाता है 40 रुपीज में। और ये हैंगिंग प्लांट है, अनदर हैंगिंग प्लांट, आपको मिल जाएगा 40 रुपीज में। और ये जो प्लांट है मनी प्लांट की वैरायटीज है, मार्बल मनी प्लांट, ग्रीन मनी प्लांट, ग्रीन वाला आपको मिल जाएगा 50 रुपीज में, मार्बल वाला 150 रुपीज में। ये सकुलेंट प्लांट के अनदर वैरायटी आपको मिल जाएगी 50 रुपीज में। और ये अनदर वैरायटी सकुलेंट प्लांट की, ये भी आपको सेम रेट में यानी 50 रुपीज में मिल जाती है। ये अर्लिया प्लांट है, सेमी इंडोर प्लांट, आपको मिल जाएगा 60 रुपीज में। ये फॉक्सटेल का प्लांट है, आपको मिल जाएगा 50 रुपीज में। और ये वाला जो प्लांट है कोलियस के प्लांट्स है, जो कि आप बाय कर सकते हो 50 रुपीज़ में। इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ है इनके पास में। इसको ब्राइट लाइट की और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जितना ज़्यादा ब्राइट लाइट मिलेगा उतने ही ज़्यादा इसके पत्ते को कलर खिल के आएंगे। और ये वाला जो प्लांट है सिल्वर प्लांट, आपको मिलेगा 50 रुपीज़ में। और ये वाला जो प्लांट है ये इंडोर प्लांट है, ये आपको मिल जाता है 150 रुपीज़ में। और ये क्रोटॉन प्लांट की वैरायटी है, गोल्डन क्रोटॉन, आपको मिल जाएगा 60 रुपीज़ में, सेमी इंडोर प्लांट। ये अर्लिया प्लांट की वैरायटी है, सेमी इंडोर प्लांट, 70 रुपीज में। ये ड्रेसिना प्लांट की वैरायटी है, सेमी इंडोर प्लांट, आपको मिल जाता है 150 रुपीज में, बड़े साइज का प्लांट है। और ये छोटा वाला प्लांट आपको मिल जाएगा 80 रुपीज में। और ये वाला जो प्लांट है एस्पराग्रास, आपको मिल जाएगा 50 रुपीज में, जनरली बुके में वगैरह यूज करते हैं बैकग्राउंड में। और ये वाला जो प्लांट है डायफन बेचिया का, इंडोर प्लांट है, आपको मिल जाएगा 60 रुपीज में। ये वाला जो प्लांट है जूनिपर का प्लांट है, आपको मिल जाएगा 100 रुपीज में। और ये जो प्लांट है अर्लिया प्लांट की वैरायटी है, आपको मिल जाएगा 200 रुपीज में। और ये ड्रेसिना प्लांट की वैरायटी है, आपको मिल जाएगा 70 रुपीज में। और बड़ा वाला प्लांट आपको मिल जाएगा 150 रुपीज में। और ये वाला जो प्लांट है ये स्टारलाइट प्लांट है, आपको मिल जाता है जस्ट इन 60 रुपीज में, अच्छा खासा बड़ा प्लांट है ये। और ये वाला जो प्लांट है फाइकस प्लांट की वैरायटी, आपको मिल जाएगा 150 रुपीज में, ये भी अच्छा खासा बड़ा प्लांट आपको कम रेट में मिल रहा है। और ये क्रिसमस ट्री आपको 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ये जो प्लांट है विद्या का प्लांट, आउटडोर प्लांट है, आपको मिल जाएगा 80 रुपीज़ में, छोटा वाला 40 रुपीज़ में। पाम ट्री सेमी इंडोर प्लांट, आपको मिल जाता है 60 रुपीज़ में। और ये जो प्लांट है हैंगिंग प्लांट है, आपको मिल जाता है जस्ट इन 40 रुपीज़। ये मिंट का प्लांट है जो कि एक हर्बल प्लांट है, आपको मिल जाता है 30 रुपीज़ में। और ये चमेली का प्लांट है, ये मिल जाता है आपको 30 रुपीज में, जास्मिन भी कहते हैं इसे। और ये चंपा का प्लांट है जो कि एक प्लांट, आपको मिल जाएगा 200 रुपीज में, जो कि रेड फ्लावर वाला प्लांट है। पाम ट्री की बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज है इनके पास में। ये वाला जो प्लांट है लिपस्टिक वाइन का प्लांट है, जो कि एक हैंगिंग प्लांट है, आपको मिल जाता है 40 रुपीज में, रेड कलर के छोटे फ्लावर्स आते हैं इसे। और ये जो प्लांट है ये गणेश वेल है, जो कि एक क्रीपर प्लांट है, आपको मिल जाता है 70 रुपीज में, वॉल पे वगैरह ग्रो करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है ये। और ये वाला जो प्लांट है ये मिल जाता है आपको 30 रुपीज में, डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और ये वाला जो प्लांट है दुरंता, ये बहुत ही बढ़िया सा फ्लावरिंग प्लांट है, आपको मिल जाता है 100 रुपीज में। इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसके कलर्स और पैटर्न बहुत ही डिफरेंट है और यूनिक है। ये कृष्ण कमल का प्लांट है, आपको मिल जाता है जस्ट इन 50 रुपीज। और ये जो प्लांट है ये आपको मिल जाता है 30 रुपीज में, ये भी डेकोरेशन पर्पस के जनरली यूज किया जाता है। ये वाला जो प्लांट है क्रसुला का प्लांट है, जो कि एक प्लांट आपको मिल जाता है 150 रुपीज में, ये वेरीगेटेड वैरायटी सेम रेट में आपको मिल जाती है। अगर आप लोगों को इनके यहाँ के प्लांट पसंद आए और आपको बाय करना है तो दिए गए एड्रेस पे आप उनको विजिट कर सकते हो, अदरवाइज इनका जो मोबाइल नंबर दिया है उस पे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।